ग्रीन मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ग्रीन प्लैनेट के यूट्यूब चैनल पर। नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्ते। आज 14/1/2019 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के गांव में हम खड़े हैं। यहां पर किसान ने जैविक के माध्यम से बैगन की खेती की है। आइए जानते हैं इन्होंने किया कैसे। नमस्कार जी। नमस्ते सर, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना थोड़ा परिचय बताइएगा। अवधेश वर्मा, ग्राम पोस्ट हमारी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये जो बैगन खेती की है। हाँ सर। ये आपने बैगन कब लगाया? बैगन हम लगाए अक्टूबर में। अक्टूबर में जी सर। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये बीएनआर की 212। बीएनआर 212। आपने इसमें कैसे कैसे क्या क्या किया थोड़ा हमें विस्तार से बताइएगा। सर पहले हम खेत की जुताई किए जी, उसके बाद डीएपी डाले जी। कितना डीएपी डाला आपने? डीएपी जितना पहले डालते थे 50% मतलब डाले, आधा कर दिए जी जी। उसके बाद फिर ये फंगिसाइड है, इसको डाल के जुताई करवा दी। ठीक है, एक जुताई हो गई। उसके बाद सर भूम पावर और प्रीमियम जी, इसको फिर ऊपर से छिड़क के फिर जुताई कर दिए, खेत कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद सर मेड़ बना दिए थोड़ी थोड़ी। मेड़ बना दिया आपने? मेड़ बना दिया। उसके बाद नर्सरी से पौधा ला के उस पर लगा दिया। ठीक है, लगा दिया पौधा जी। पौधे को फिर पानी दिया, पौधा लग के तैयार हो गया। एक फीट का जब पौधा हुआ तो इसमें कीड़े की समस्या आने लगी। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा आती है बैगन, जो सबसे ज़्यादा बैगन में आती है जी। जब कीड़े की समस्या आने लगी तो क्योंकि हम नए थे खेती के लिए, बैगन की खेती के लिए जी जी, जिसे देखते थे दूसरे की खेती किया जाए बैगन जी जी, तो उसमें एक जैविक प्रोडक्ट जो है उस तरफ से सुझाव आया जी। तो उसमें नगेंद्र वर्मा आशीर्वाद जी ने हमको बताया कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। तो पहले हमने निमायल, पूर्णिमा और अमावस्या के एक दिन बाद, एक दिन के बाद निमायल का स्प्रे। ठीक है जी। और उसके पहले हमारे बैगन की जो प्लांट है ऊपर का जो कीड़ा काट देता था, सूख जाता था। अमावस्या पूर्णवासी के एक दिन बाद इसका स्प्रे। ठीक है, क्या रिस्पांस मिला? अच्छा रिस्पांस मिला। क्या समझ आया हमारे हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे इससे जो है अंडे, पूर्णमासी और अमावस्या के जो अंडे देते हैं कीट, सब अंडे मर जाते थे। ठीक है। उसके एक दिन बाद पेप्सोहिट जी, एक जैविक प्रोडक्ट है जी। पेप्सोहिट आपने कितना डाला एक टंकी में? 20 ml। ठीक है, इसको भी 20 ml डाल देखिए टंकी में, दोनों को साथ मिला के आपने साथ में मिला के स्प्रे कर दिया। हाँ, स्प्रे कर दिया, उससे कीड़े बहुत कम हो। मतलब आपको जो छिड़काव आपने जो कीटनाशक जो अपने जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल किया है जी, जी। तो आपको स्प्रे किया कितना दिन हो गया? अब 10 दिन हो गया। तब से अब तक कीड़ों की क्या स्थिति है? मतलब क्या स्थिति नियंत्रण में? 80% समझिए सेफ है हमारी फसल। सेफ है 80% सेफ है। तो ये जो मतलब आपने जो भी प्रयोग किया और बाकी कुछ और चीज बताइए क्या आपने इस्तेमाल किया। और जब इसमें फूल आने शुरू हुए जी, तो पहले हम ग्रो नाइट्रोकिन का छिड़काव किए। ठीक है, फिर उसके बाद 8-8 दिन के, 10-10 दिन के अंतराल पे हर स्प्रे नाइट्रोकिन ग्रो का हुआ। जब पौधा हमारा ग्रोथ कर गया जी, उसके बाद हम ब्लूम नाइट्रोकिन का स्प्रे किया। स्प्रे किया, इससे आपको क्या रिस्पांस मिला? इससे जो फल फूल जी, फूल जो गिर जा रहे थे जी, रुक रहे हैं। और आप देख सकते हैं साइज जो है, ये देखिए इनका बैगन भी आप देख सकते हैं, फूल काफी बेहतर है। ये देखिए, देखिए ये हमारे ब्लूम और नाइट्रोकिन का, इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए काफी बेहतर है। और पेड़ में पहली बार देख सकते हैं आप बैगन में साइनिंग कितनी अच्छी है, चमक कितनी बढ़िया है। इधर देखिए, और फल कितना बेहतर बनाया हुआ है। ये देखिए, जैसे फूल एक भी गिर नहीं रहा है। देखिए ठंडी में सर हम लोगों के यहाँ बैगन फरता ही नहीं सर। अच्छा, फल ही इनका, इनका कहने का मतलब है ठंड में फल आता ही नहीं और इतना फल इसमें इसने लगा हुआ है। यानी जो भी आपने कहीं भी सर देख सकते हैं, जो भी आपने इस्तेमाल किया है कहीं भी देखिए जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। किसान भाई हमारे दिखा रहे हैं कितना बढ़िया खुश है, की बड़ी खुशी से साथ दिखा रहे हैं भाई हमारे बैगन। देखिए इधर देखिए कहीं जी, कहीं बढ़िया यही है। मैं चाहूंगा कि छोटे पैमाने पे नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे आप देख सकते हैं काफी इन्होंने बैगन लगा रखा है जी। इधर है, इधर है, ये सब है।
पूरी हर खेती कोई बड़े पैमाने पर करते हैं। आप मतलब संतुष्ट हैं? ठीक, हाँ सर, एकदम 100% संतुष्ट। बिल्कुल। आपने और भी कुछ लगा रखा है? गोभी लगाए हैं सर जी। हम जाएंगे इनका पूरा प्लॉट देखा जाए, काफी गोभी सब कुछ लग रखा है, काफी चीजें दिख रही हैं, बढ़िया है। तो आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? सर हम कहेंगे कि आप लोग जहर मुक्त खेती करिए जी, और अच्छे ढंग से करिए। बैगन एक ऐसी खेती है, लोग कहते हैं सबसे ज्यादा लागत लगती है, ज्यादा कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, कीड़े लगते हैं जी, सब फसल बेकार हो जाती है। तो आप उसमें सिस्टम से आएंगे, सिस्टम से करेंगे तो ना कीड़े लगेंगे ना नुकसान होगा। बिल्कुल। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ जो कि किसान बैगन खेती करते हैं या भी अन्य खेती भी करते हैं, बट बैगन की खेतियों में काफी परेशान रहते हैं, कीड़ों की वजह से अपनी फसलों को वो बाहर भी कर देते हैं और उनका मन टूट जाता है। मैं चाहूंगा कि किसान भाइयों आप बैगन की खेती करिए और तरीके से कीट नियंत्रण करने के लिए आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। और देख सकते हैं कि इन्होंने एक छोटी सी अपने नित्य क्रिया में बदलाव कर कीट को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है।